हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि मालूम है, हिंदी व्याकरण में इस समय हम व्याकरणिक कोटियां पढ़ रहे हैं। व्याकरणिक कोटियों में मैंने आपको लिंग से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था कि हिंदी व्याकरण लिंग से संबंधित कैसे प्रावधान करता है, क्या क्या इनके लिए नियम है, लिंग में कैसे परिवर्तन होता है, सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से समझा था और जाना था। अपवाद इनके क्या क्या हैं, क्योंकि वहीं से सवाल पूछता है। और व्याकरणिक कोटियां खासकर आप ट्रिपल एससी की अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत विधिवत इसके बारे में मालूम होना चाहिए। आज उसी की कड़ी में मैं दूसरे जो है स्टेप की ओर बढ़ रहा, दूसरा जो आपका व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत हमें पढ़ना है वह आपका है वचन। तो आज हम पढ़ेंगे वचन से संबंधित सारी चीजों को कि हिंदी व्याकरण में वचन किससे संबद्ध रहा। कल जैसे मैंने लिंग बताया तो लिंग में मैंने आपको बताया था कि उससे हमें एक संकेत मिलता है कि जो शब्द है वो किसके बारे में संकेत दे रहा है। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, वचन का जो अर्थ होता है, वचन का अर्थ होता है कि संख्या को बताना। यानी कोई शब्द है तो वहां पर कोई वो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जो कुछ भी हो उसकी संख्या का हमें बोध कराएगा, वह वचन होगा। ठीक है, तो इसी पर विस्तृत पर चर्चा करनी है, आज उसी को हम पढ़ेंगे। आप सभी को मालूम है टीम परीक्षा प्लस की ओर से ये सारे वीडियोज आपको 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत निःशुल्क दिए जा रहे हैं। तो इनको ज्यादा से ज्यादा आप सारे लोग सब्सक्रिप्शन प्लान ले 3 महीने का, ताकि आपको हर एक जो वीडियो निःशुल्क मिल रही इसकी अच्छे से मैनेज्ड वे में व्यवस्थित ढंग से जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ हर एक का आपको क्विज भी मिलता रहे। हम 10 प्लस कोर्सेज को कवर कर रहे हैं एक साथ आपके, ठीक है, जिनके लिए अलग अलग कक्षाएं आपको समय समय पर टीम के द्वारा उपलब्ध करवा जाती है। ठीक है, पीडीएफ सब्सक्रिप्शन सारे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लें ताकि आपको इसका लाभ दुगना मिले। जैसे वीडियो लेक्चर पढ़ रहे, ठीक है, ढंग से सारी चीजें हैं, ठीक है, उसके अलावा जैसे जब आप नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको फिर से लगेगा कि हाँ, मैं फिर से लेक्चर को बहुत ढंग से उसी वे में सुन रहा हूं। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम दो बार किसी चीज को जब करेंगे तो वहां पर चीजें हमें ज्यादा समझ में आती हैं और बहुत दिनों तक हमारे दिमाग में बरसती रहती। कोई भी समस्या आती है आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने में या अन्य हमारे जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं उनके लिए इस नंबर पर आप कॉल करें, आपको सारी जो भी समस्याएं आपकी होंगी उनका जो है यहाँ पर निराकरण होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। और दूसरा स्टेप आपका क्या है, दूसरा स्टेप है आज जो हमें पढ़ना है वह व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत है वचन। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका वो होगा वचन। देखिए, वचन में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले चीज मैंने बताई कि यह बोध कराता है कि कोई भी आपका व्यक्ति है। ठीक है, परिभाषा में जो आता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु कि संख्या के बारे में जो हमें बोध कराए वह क्या होता है, वचन होता है। ठीक है, कि संख्या का बोध कराए। और लिंग में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वहां पर वो संकेत देता है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है, कि संख्या का हमें बोध कराता है, तो इसकी परिभाषा बहुत छोटी सी हो जाती है। दूसरी बात, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण वचन को लेकर के आपस में अलग है। कैसे, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जब इसके आप भेद पढ़ोगे तो हिंदी व्याकरण कहता है कि वचन के भैया दो भेद होते हैं। पहला यह भेद बोलता है कि कोई चीज या तो एक वचन में होगी, मतलब वा या तो अकेली है, या ये दूसरा बोलता है कि अगर वो एक वचन में नहीं है, एक से ज्यादा है, तो वह सीधा बहुवचन होगी। ठीक है, देखो वचन के अर्थ दो है, वचन का अर्थ कहना भी होता है, कथन भी होता है। ठीक है, जो संस्कृत आपका व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण आपसे कहता है कि जो वचन होते हैं, ठीक है, या वचन तीन होते हैं। संस्कृत व्याकरण तीन वचन का प्रावधान करता है। पहला इसके अनुसार होता है एक वचन। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक है तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग होगा। अगर कोई एक से ज्यादा दो है, ठीक है, तो उसके लिए द्विवचन का प्रयोग होता है संस्कृत व्याकरण में। और अगर द्वि से ज्यादा कोई वस्तु है या व्यक्ति है तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। यह संस्कृत व्याकरण आपका प्रावधान करता है। लेकिन हिंदी व्याकरण कहता है अगर कोई चीज एक है तो वह एक वचन होगी, अगर एक से ज्यादा हो गई तो वह सीधे सीधे बहुवचन होगी। यानी इस चीज को आपको ध्यान रखना है,
हिंदी पूछता है हिंदी व्याकरण में वचन के कितने रूप मिलते हैं, तो हिंदी व्याकरण में वचन के दो रूप हैं, संस्कृत व्याकरण में तीन रूप हैं। तो हमें बहरहाल संस्कृत व्याकरण पढ़ना नहीं, यहाँ पर हमें हिंदी व्याकरण पढ़ना है। तो जो व्याकरणों ने हमारे हिंदी व्याकरण में जिन चीजों को रखा है उन्हीं को हम बहुत ढंग से समझते हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेप की अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा जिससे कि आपको हर एक चीज बहुत विधिवत समझ में आती रहे, ठीक है। परिभाषा जैसे मैंने बताई, वचन क्या होता कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता वह रूप वचन कहलाता, ठीक है। मतलब क्रिया इससे शब्द से जब हमें किसका पता चले, संख्या का बोध हो तो वहां पर वह क्या होगा, वचन होगा। दूसरी बात, अगर इसी को दूसरे शब्द में कहना चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु आदि के एक से ज्यादा या एक होने का बोध हो वह क्या है, वचन है, ठीक है। हमें एक का बोध हो या एक से ज्यादा होने का बोध हो वह वचन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे टोकरी में केले रखे हैं, अब यहां केले आ गया तो हम समझ गए कि ये एक से ज्यादा केले रखे हैं, ठीक, केला रखा है तो उसका मतलब एक हो जाता। दूसरी चीज, जैसे समुद्र में जो है मछलियां निवास करती हैं, अब यहां मछलियां का अर्थ हो गया कि एक से ज्यादा, बहुवचन हो गया। ऐसे अगला है, मैंने अपने घर में संतरे के पौधे लगाए, संतरे के, अब ये भी वही चीजें जो है इंगित कर रहा। ऐसे जितने भी शब्द हैं ये शब्द आपके क्या कर रहे, दो या दो से अधिक होने के बोध हमें करवा रहे हैं और यही वचन का उदाहरण होगा। अब वचन के भेद मैंने पहले ही आपको समझाया कि हिंदी व्याकरण वचन के भेद में केवल दो भेद करता है। पहला होता है कोई भी चीज एक है तो वह एक वचन होगी, अगर एक से ज्यादा है तो वह बहुवचन हो जाती है। अब एक वचन की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि ईपी ट्रिपल एस सी भैया परिभाषा से ज्यादा सवाल उठाता है। देखो भैया, जब संज्ञा का कोई रूप किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध कराए तो वह शब्द सब आपके एक वचन कहलाएंगे। एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हमें बोध हो तो वह एक वचन होगा। कैसे, जैसे उदाहरण समझिए, मछली, पुस्तक, लड़का, लड़की, अब ये शब्द आप कोई भी बोलोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कोई एक ही है। हमने बोला लड़का वहां खड़ा है तो आप जानोगे कि अच्छा एक ही कोई बच्चा है, लेकिन हमने बोला अगर लड़के वहां खड़े हैं तो आप समझ जाओगे कि एक से ज्यादा बच्चे वहां पर मौजूद हैं, समझे। बहुवचन क्या होता है, बहुवचन ये होता है भैया कि जब संज्ञा का कोई रूप किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक से अधिक होने का बोध कराए तो वह बहुवचन होता है, ठीक है। जैसे लड़के, लड़कियां, ठीक है, ऐसे शब्द मछलियां, ये सारे शब्द जहां पर हमें ये शब्द पढ़कर जो है मालूम चल जाए कि यहां पर ऐसी मात्राएं लगी हुई है इनकी वजह से इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन है। अब एक वचन और बहुवचन से संबंधित कुछ नियम है, इन नियमों को आप जान लें। देखिए भैया, हम किसी आदरणीय व्यक्ति के बारे में जब बात करेंगे, वो व्यक्ति अकेला ही है लेकिन आदरणीय है, तो वहां पर जब उसके विषय वस्तु के बारे में हमें उसके बारे में बात करनी होगी तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी आने वाले हैं, पिताजी आने वाले, लेकिन यहां पर बहुवचन में प्रयोग होगा। याद रखिएगा, जहां आदरणीय व्यक्ति के बारे में बताना होगा, बात करना होगा, वहां बहुवचन का प्रयोग हमेशा होता है। दूसरी बात, गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ने गए हैं, अब गांधी जी अकेले हैं लेकिन यहां पर वो चूंकि आदरणीय हैं तो बहुवचन का प्रयोग किया गया, समझ गए। तीसरी उदाहरण को समझे, तीसरा, मैं जब खड़ा था तो गुरुजी आ रहे थे, गुरुजी आ रहा था हमने नहीं कहा कि मैं जब खड़ा था, अब यहां पर तो आपने अपने लिए प्रयोग किया कि मैं जब खड़ा था, आपने ये नहीं कहा मैं जब खड़ा था तो गुरुजी आ रहे थे, अब आ रहा था तो हमने नहीं जोड़ा क्योंकि ये आदरणीय सूचक शब्द है, समझे। चाचा नेहरू बच्चों के चहेते थे, ठीक है। तो जैसा कि आपने ऊपर दिए गए जितने उदाहरण हैं इनको समझा जाना कि जहां पर आदरणीय सूचक शब्द होंगे, आदरणीय व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, वहां सदैव बहुवचन का प्रयोग होगा। दूसरा समझिए, जो संज्ञा शब्द संबंधों को दर्शाते हैं, ठीक, हमारे रिलेशंस को बताते हैं, जैसे नाना नानी, मामा मामी, ठीक है, दादा दादी, ये शब्द जहां पर होंगे ये एक वचन एवं बहुवचन में समान ही रहते हैं, बदलते हुए वचन के साथ ये परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है।
हमेशा याद रखना भाई, नाना आपके भी हैं, आपकी बहन के भी हैं, आपके जो है और छोटे भाई हैं उनके भी हैं, संबंध हमेशा एक वचन में होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ये वचन कभी भी परिवर्तित नहीं होते। दूसरी बात, तीसरा नियम क्या कहता, तीसरा नियम बोलता है कि जो द्रव्य सूचक संज्ञाएं होती वह एक ही वचन में प्रयोग की जाती हैं। द्रव्य सूचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होंगी, एक ही वचन में होंगी। जैसे पानी शब्द का कुछ बहुवचन नहीं हो सकता, उसी प्रकार तेल शब्द का भी कोई बहुवचन नहीं हो सकता। ठीक, हमने पानी बोला तो वो पानी हर जगह है, यानी द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होगी इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। अगली चीज, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञाओं में उदाहरण क्या है, घी हो गया, पानी हो गया, तेल, दूध, रायता, दही, ठीक है, ये सारे शब्द आपके द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब इनका आप प्रयोग करोगे तो बहुवचन में, भैया चाहे इतना सा दही है, चाहे इतना सा दही है, तो दही को दही ये बोलोगे ना। चौथा नियम समझिए, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये कई बार आया है, ट्रिपल एससी है या अन्य जो भी हिंदी भाषी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी भाषा पूछी जाती है उसमें ये बहुत बार आया है। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, समझिए कैसे। जैसे ऐसे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, या कहीं पर आपको जो है अशुद्धि के रूप में दे दिया, आशीर्वाद हो गया, अश्रु हो गया, रोम हो गया, भाग्य के इस दर्शक, अक्षत, आंशु, प्राण, ये जो शब्द लिखे हैं ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। ठीक है, जैसे दर्शक खेल देख रहे हैं, अब दर्शक शब्द आया, खेल देख रहे हैं, अब वहां ये नहीं जो है पता कि कितने दर्शक, दर्शक खेल देख रहे हैं, इनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होगा। आंखों में आंसू आ गए, मेरे तो प्राण ही निकल गए, ठीक है, अब ये जो शब्द हैं ये सब बहुवचन को इंगित कर रहे हैं, समझे। आगे बढ़ते हैं, पांचवा जो आपका नियम है ये कहता कि पुल्लिंग इकारांत यानी जिनके अंत में बड़ी है, उकारांत और उकारांत शब्द, ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो बड़ी से अंत हो रहा, जिनका छोटा ऊ से अंत हो रहा और बड़ा ऊ से अंत हो रहा है, ये शब्द एक वचन व बहुवचन दोनों वचनों में समान ही रहेंगे। ठीक है, जैसे एक आदमी, अब अंत में क्या आया, बड़ी की मात्रा लगी है, इकारांत है, हमने कहा दस आदमी, तब भी तो बड़ी की मात्रा लगी है, यानी ये शब्द हमेशा एक ही समान होंगे। एक डाकू, अब ये उकारांत है, बड़ी ऊ की मात्रा लगी है, अब आप बोलोगे दस डाकू, तब भी तो उकारांत ही रहेगा, वही शब्द रहेगा। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। छठा नियम कहता, कभी कभी बड़ा, कभी कभी वक्ता जो है बड़प्पन दिखाने के लिए, ठीक है, मैं की जगह हम का प्रयोग कर लेता है। अब ये तो नियम है, हमारे उत्तर प्रदेश में तो यही चलता है, ठीक है, यहां कोई नहीं बोलेगा, आप भी जब भाषा प्रयोग करते हैं तो क्या बोलते हैं, हम जा रहे हैं, मतलब 10-20 आपके जो है सिर पर भूत भी सवार है, हम जा रहे हैं, आपकी टोली है एकदम, ठीक, आप ये नहीं कहते हो मैं जा रहा हूं, हम जा रहे हैं, हम आएंगे वहां, मतलब हम हैं तो अकेले, लेकिन मैं नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे, ये कई जगह की भाषा ही बन गई है। तो जहां पर बड़प्पन दिखाने के लिए वक्ता क्या करता है, मैं की जगह हम का प्रयोग कर लेता है, जैसे हम अभी आते हैं, चलो तुम, हम आते हैं, ठीक है। ऐसे दूसरा है, हमारा नाम अमित है, मतलब बड़ी चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं, सातवां जो नियम कहता है, छोटे लोग बड़े लोगों के लिए या बड़े लोग आपस में आदर दिखाने के लिए तुम की जगह आपका प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे आप कल क्यों नहीं आए, ठीक, अब यहां पर भी बहुवचन होगा। पापा आप कहां जा रहे हो, पापा हैं तो अकेले व्यक्ति जा रहे, लेकिन बहुवचन का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो ये सारे उदाहरण क्या है, यहां मुख्यतः आदर सूचक शब्द मिल रहे, इस वजह से आपका प्रयोग किया गया। अगला है जातिवाचक संज्ञा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जातिवाचक संज्ञा का दोनों ही वचनों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, द्रव्यवाचक तो एक वचन में थी, जातिवाचक का जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, अब ये एक वचन हो गया, इसको बहुवचन में लिखेंगे तो लिखेंगे घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। अगली चीज, इसमें जब आप देखेंगे ये दोनों, घोड़ा जो शब्द है एक जातिवाचक संज्ञा और दोनों वचनों में प्रयुक्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला, ऐसी जातिवाचक संज्ञाएं जो धातुओं का बोध कराए वह सिर्फ एक ही वचन में प्रयुक्त होती हैं, याद रखना, धातुवाचक संज्ञा का बोध हो, हमें धातुओं का बोध हो और वहां पर जो जातिगत होंगी वह सभी एक वचन में प्रयुक्त होंगी। जैसे सोना आजकल सस्ता हो गया है भैया,
ठीक है, बोलते नहीं सोना आजकल सस्ता हो गया। अब सोना जो है सस्ता हो गया, है तो धातु लेकिन प्रयुक्त कैसे हुआ, एक वचन के, चांदी के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, उस व्यक्ति के पास बहुत धन है, यह औजार तांबे के बने हुए हैं। अब यहां पर जैसे भी शब्द हुए, ये सभी शब्द कैसे प्रयुक्त हुए, ये सभी शब्द आपके एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुए। अगली चीज कह रहा, गुणवाचक एवं भाववाचक दोनों, अगर गुणवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, ये दोनों वचनों में प्रयोग की जाती है। जैसे मैं बीमारियों से ग्रसित हूं, मुझे बीमारी हो गई है, ठीक, मैं बीमारियों से ग्रसित हूं, मुझे बीमारी हो गई है। अब यहां पर ये दोनों जगह प्रयुक्त होंगी। अगली चीज, हर अगर शब्द कहीं लगा हुआ है, प्रत्येक लगा हुआ है, ये ले और हर एक लगा है, ये तीन शब्द जहां आपको मिल गए वहां समझ जाना, ये आया भी है कई बार भैया, ठीक है, ये पूछा भी है, हर लगा है, ठीक है, और साथ ही साथ प्रत्येक लगा है या फिर हर एक लगा है, ये जहां पर भी शब्द होंगे वहां हमेशा एक वचन का प्रयोग होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे हर एक आदमी को आना पड़ेगा, प्रत्येक बच्चे को यह पढ़ना पड़ेगा, ये जो शब्द हैं सभी, ये सब क्या है, एक वचन को इंगित करेंगे, जहां पर हर या प्रत्येक लगा है या हर एक लगा है वहां क्या होगा, एक वचन का प्रयुक्त होगा। अगला 12 नंबर नियम कहता है कि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जा सकता है। जैसे यह भारत की सेना है, समूह सेना भाई समूहवाचक शब्द है, अब इसका हम प्रयोग कैसे किए, एक वचन के तरीके से किए ना। बंदर की एक टोली आ रही है, चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, अब ये समूहवाचक शब्द हैं, लेकिन इनको हम दर्शा कैसे रहे, एक वचन के जैसे दर्शा रहे हैं, समझ गए। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या क्या हैं, इनको जान लीजिए, ठीक है, ये पूछता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुवचन नहीं है, ऐसा पूछेगा, या फिर आपको एक शब्द पर्टिकुलर दे देगा कि जो है निम्नलिखित में से इस शब्द का जो है बहुवचन क्या होगा, वहां पर आपको ऐसे शब्द ट्रिपल एससी पूछा है और पूछेगा, तो ये भैया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे जब आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत मतलब बड़ा की मात्रा, जहां पर जिन शब्दों के अंत में आए, जहां पर आकारांत पुल्लिंग शब्द मिले, शब्दों में जो अंतिम का आ होगा इसकी जगह पर ए लगा देंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। कैसे, एक वचन से बहुवचन हम बना रहे, ठीक है, जैसे लिखा है बेटा, अब एक वचन शब्द है, इसको बहुवचन बनाना है तो हमने आ की जगह पर ए कर दिया, तो ये किसमें हो गया, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गया। जैसे बेटा से बेटे बन गया, घोड़ा एक वचन शब्द है और इसको घोड़े में कर दिया तो बहुवचन हो गया। ऐसे कपड़ा है तो इसको हम कपड़े में कर देंगे, कुत्ता है तो कुत्ते बना देंगे। यानी जहां आकार अंत पुल्लिंग शब्द है वहां अंत में ए जोड़ दीजिए तो उससे बहुवचन शब्द का निर्माण हो जाएगा। दूसरा नियम यह बोलता भैया कि जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसमें अंत में अगर आ हो, आकारांत बोला, अंत का जो आ है उसकी जगह पर ए लगा दें, ठीक है, ए लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, बहुवचन। जैसे आंख, ठीक है, अब खा के बाद आ की मात्रा आई, इसको हटा देंगे, आंखें कर देंगे, बहन तो बहने बन जाएगा, झील तो झीले हो जाएगा, रात तो रातें बन जाएगी। ये सभी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हुए जब इनके अंत में हमने ऐ की मात्रा जोड़ दी। अगली चीज समझिए, जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ हो और हमें बहुवचन में आकारांत शब्दों को बहुवचन बनाना है तो वहां पर आ की जगह पर ए लगा देते हैं, ठीक है, यहां छोटा वाला है ध्यान रखना। जैसे शाखा है तो शाखाएं हो जाएगा, लता है तो लताएं हो जाएगा, माता है तो माताएं हो जाएगा, इस तरीके से ये शब्द एक वचन से बहुवचन में जो है परिवर्तित होते हैं। अगला कह रहा है जब स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह पर या लगा दिए तो वह एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। जैसे गुड़िया है, अब गुड़िया हो जाएगा तो ये बहुवचन, चिड़िया है तो चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया ये बहुवचन, बुढ़िया है तो बुढ़िया हो जाएगा। ऐसे शब्द हैं जिनमें जहां पर स्त्रीलिंग है अंत में या आ रहा तो उसमें या की जगह पर हम क्या या जोड़ देते हैं तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। अगली चीज समझिए, जब इकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्द हो और वहां पर अंत में जो या लगा दें, ठीक, या लगाकर ई को ई कर दिया जाए तो वह क्या होंगे, बहुवचन में परिवर्तित होंगे। जैसे पहला शब्द लिखा है नदी, अब अंत में तो बड़ी ई की मात्रा लगी है,
इसको बड़ी ई की मात्रा को हम छोटी ई में परिवर्तित करेंगे और अंत में या जोड़ देंगे तो यह बहुवचन में परिवर्तित होगा। जैसे नदी है तो नदियां, चुटकी है तो चुटकियां, थाली है तो थालियां, रानी है तो रानियां, सभी में परिवर्तन हुआ। जो अंत जो है बड़ी ई की मात्रा, इसको छोटी ई में और अंत में जोड़ देते हैं या, तो इससे बहुवचन शब्दों का निर्माण होता है। अगला नियम कहता है जब उ अ आ इ ई और औ की जगह पर ए कर दिया जाता है तो उ बड़ा उ को छोटा उ में बदल दिया जाता है। इससे एक वचन से बहुवचन शब्दों का निर्माण होता है। जैसे माता शब्द लिखा है, अंत में आ आया, इसको माताएं कर दीजिए तो यह शब्द क्या बन जाएगा, यह बहुवचन बन जाएगा। वधु है, ठीक है, इसका वधुएं होगा। बहु है तो बहुएं होगा, ठीक है। धातु है तो धातुएं होगा, गौ है तो गौवें होगा। ऐसे शब्दों में बहुवचन कैसे बनाते हैं, एन लास्ट में जोड़ देते हैं तो उससे बहुवचन शब्दों का निर्माण हो जाता है। अगला समझिए, जब आपको दल मिले कोई, बृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द किसी शब्द में जुड़े मिले तो वहां समझ जाना कि यह बहुवचन बनाया गया। कैसे, जैसे लिखा है कहीं शब्द गरीब, अब गरीब एक वचन होगा, मोहन बहुत गरीब है भैया, ठीक। लेकिन अगर गरीब लोग इसमें जुड़ गया तो इसका अर्थ हो गया कि यह बहुवचन है, गरीब लोग की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों। जैसे लिखा है विद्यार्थी, अब एक वचन है, इसमें हमें बहुवचन बनाना है तो लास्ट में हमने जोड़ दिया गण, तो विद्यार्थी गण मतलब बहुवचन में यह परिवर्तित हो गया, समझ गए। ऐसे वृद्ध है तो वृद्ध जन, दर्शक है तो दर्शक गण, यहां पर गण, जन, जन लोग, ऐसे बृंद, वर्ग, ऐसे शब्दों को हम जोड़कर बहुवचन बनाते। अगला बोलता है कि जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं वहां पर क्या आपको मिलेगा। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो चाहे जैसे प्रयुक्त करिए, चाहे आप एक वचन में प्रयुक्त करें चाहे बहुवचन में। क्षमा शब्द लिखा है, ये दोनों जगह एक ही होगा। पिता लिखा है तब भी वही होगा, चाचा लिखा है तब भी वही होगा, फूल लिखा है तब भी वही होगा, ठीक है, जल लिखा है, ये सभी शब्द क्या होंगे, ये सब आपके कैसे हैं, ये सदैव एक जैसे बने रहते हैं। अगला है जब शब्दों को दो बार प्रयुक्त किया जाता है, जैसे जगह लिखी है, अब ये एक वचन के तौर पर हो सकता है, अब जगह जगह लिख देंगे तो मतलब बहुत सारे हो गए, एक से ज्यादा जगह हो गई। गांव लिखा है, ठीक है, तो गांव का मतलब एक गांव की हम बात करें, लेकिन अगर कहीं पर प्रयुक्त हो गया गांव गांव तो वह शब्द क्या हो जाएगा, वह शब्द ये दर्शाएगा कि अब हम एक से अधिक गांव की बात कर रहे हैं। ऐसे घर लिखा है तो घर घर मतलब जहां पर हम किसी शब्द को दो बार लिख देंगे वह शब्द अपने आप में बहुवचन का रूप धारित कर लेता है। तो उम्मीद है वचन से संबंधित सारी बातें आपको बहुत ढंग से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अच्छे अच्छे जैसी आपको चीजें समझ में आती है उस अनुसार बढ़िया बढ़िया कमेंट देकर जाए। जो लोग नए मित्रगण हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और साथ ही साथ जो वीडियोज आप देखें चैनल पर आपको पसंद आती है उस वीडियो को आप अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं जहां पर भी आप जुड़े हैं जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वहां पर शेयर कर दिया करिए। वहां नीचे शेयर का ऑप्शन आता है तो उससे सभी को, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं आपके साथ पढ़ने वाले हैं वो भी सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।